आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल में शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो ये ई मोटर आर्ट कंपनी का नाम है। हेलो बोल के गया वो भैया, नाइस साइकिल, छोटा बड़ा होता है। हाँ ये यहाँ से इतना ऊपर तक ये कर सकते हो स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी में नहीं ना अंकल। ये निकाल दी अपनी गाड़ी की चाबी मैंने, इसके बिना बैटरी काम नहीं करेगी। अभी मैं इसको लेके मार्केट में उतरा ही हूँ और इतने लोगों ने मुझसे पूछ दिया भैया ये कैसी साइकिल है, इतनी खतरनाक। ये पूरी चढ़ाई और कितनी कंफर्टेबली चल रही है, मैं देखो कितने आराम आराम से पैडल मार रहा हूँ। हाय 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 हाय, 16 की स्पीड से 15 की स्पीड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। आई एम योर साइक्लिस्ट फ्रेंड, नहीं आज मैं बोलूंगा आई एम योर इलेक्ट्रिक साइक्लिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल में शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो यस, अपने नेक्स्ट टूर जो मेरा होने वाला है सितंबर मिड में या फिर मे बी अक्टूबर के स्टार्टिंग में, उसकी शॉपिंग करने मैं आ जा रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं क्या लेना है, बस मैं भी फिलहाल निकल रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ डिकैथलॉन स्पोर्ट्स सेंटर, बिकॉज मुझे आज डिकैथलॉन में इन्वाइट किया गया फॉर अ शूट के बदले वो मुझे 5000 के प्रोडक्ट मुझे गिफ्ट करेंगे। तो ये निकल चुकी है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक, तो ना मैं जाने से पहले स्ट्रावा में सेट कर लेता हूँ कि आज मैं कितने डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ। कर दिया मैंने स्टार्ट और बैटरी इसमें ऑलमोस्ट फुल है। बस सुबह ये 2 किलोमीटर चले थे, मेरा भाई इसको जिम लेके गया था तो 2 किलोमीटर चल चुकी है। आज ट्रेस करते हैं कि अगर मैं पूरा मार्केट वगैरह घूम के आता हूँ उसके बाद इसमें कितनी बैटरी रहती है। बाकी इस पर मैंने अपना लॉक वगैरह रख लिया है क्योंकि डिकैथलॉन जाऊंगा ना तो वहाँ की पार्किंग में सेफ नहीं रहती साइकिल्स, तो लॉक लगाना जरूरी है। ये देखो ये पूरी चढ़ाई और कितनी कंफर्टेबली चल रही है, मैं देखो कितने आराम आराम से पैडल मार रहा हूँ। हाय 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 हाय, 16 की स्पीड से 15 की स्पीड से देखो इसको चलाने में मजा तो आ रहा है। बस एक ही चीज की कमी है, वो है छाया। इतने दिन से छाया थी, बारिश थी और आज ऐसी मैं साइकिल लेके निकला हूँ, धूप हो रही है। हालांकि आज मेरी शरीर में इतनी वाट नहीं लगेगी बट ये कि धूप से पसीने तो आएंगे भैया, और शूट है तो शूट पे तो अच्छे से बन के जाना है। कपड़े पहन के आ रखो, वरना मैं आपने देखा होगा साइकिलिंग में से पहनता नहीं हूँ, शूज एकदम व्हाइट पहने में कैजुअल। अभी मैं इसको लेके मार्केट में उतरा ही हूँ और इतने लोगों ने मुझसे पूछ दिया भैया ये कैसी साइकिल है, इतनी खतरनाक। ये साइकिल ना एब्सोल्यूट हेड टर्नर है, मतलब जो भी इसके बगल से निकलेगा इसको घूरता हुआ जाएगा। नॉट बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है, बिकॉज इसके लुक बड़े क्यूट से है, बहुत डिफरेंट है, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है मैं टूरिस्ट हूँ, लोगों को सच में लग रहा होगा कि मैं टूरिस्ट हूँ और ये साइकिल मैंने रेंट में ले रखी है। ये देखो मैंने अभी इसको क्रूज मोड में डाल दिया है और अब मैंने हाथ छोड़ दिया, पैडल भी नहीं मार रहा हूँ, अपने आप चल रही है मस्त। ये देखो हाय 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 हाय, क्रूज मोड में डालने के बाद उसमें जो स्वैग आ रहा है ना भाई साहब, अलग ही लेवल का आ रहा है। अरे यार मैं तब से साइकिल चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे क्या अलग से लग रहा है, मैंने गोप्रो नहीं लगाया, मैं गोप्रो लेके आ रहा हूँ बट मैंने अभी तक गोप्रो नहीं लगाया। चलो मैं गोप्रो लगाता हूँ, अभी तक एक बूंद भी पसीना नहीं आया क्योंकि मैं पैडल मार ही नहीं रहा हूँ। दो रीजन से, एक तो आराम मिलेगा, दूसरा स्वैग आ रहा है बढ़िया। पैडल मारने क्यों है यार मेन रोड में, इतना बढ़िया स्वैग आ रहा है देखो। ये सामने फ्लाईओवर आ गया, फ्लाईओवर में इतने प्यार से चढ़ी गई ना, इतने प्यार से। कॉलेज के बस से स्टूडेंट पीछे झांक झांक के दिख रही कि साइकिल है कैसी, भाई मजा आ गया। यही तो चाहिए लाइफ में, जब आप साइकिल में की ट्रैवल करते हो ना तो शर्म मत करना, लोग आपके बारे में ये नहीं सोचते ये कैसा बेवकूफ है साइकिल में घूम रहा है, उल्टा लोग ये बोलते भाई क्या मजे कर रहा है, कितना मस्त बंदा है साइकिल में घूम रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पे इलेक्ट्रिक साइकिल में इसलिए घूम रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं अपनी मैनुअल साइकिल्स में भी घूमता हूँ। तो अगर आप मैनुअल साइकिल में भी एक शॉपिंग करने जाते हो, कहीं मॉल में जाते हो तो शर्म मत करो यार, मजे हैं इस चीज़ के भी। आप सोचो ना कितना पैसा बचा रहे हो, प्लस ट्रैफिक का कोई झंझट ही नहीं, और ऊपर से चालान तो कभी कटने से रहा। अगर चालान काटने वाली पुलिस आएगी कह देना भैया ये तो साइकिल है, पैडल नहीं दिख रहा आपको। ये ठीक है, वैसे शॉपिंग मेरा मेन रीज़न नहीं है, मेन रीज़न है शूट जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। और ये बाहर की पार्किंग है पर इसे बाहर पार्क नहीं कर सकते, अंदर साइकिल की पार्किंग दिखाता हूँ मैं आपको डिकैथलॉन की। और ये है साइकिल पार्किंग, ये है यहाँ की साइकिल पार्किंग। वैसे तो इसमें नॉर्मल टायर आएंगे, मेरा टायर तो उसमें आएगा नहीं देखो, क्योंकि स्कूटी जितना इसका टायर है। बट अभी मैं यहाँ पे गार्ड तो खड़े, मैं उनको बोल के जाऊंगा कि भैया ये साइकिल देख लेना, अलग ही साइकिल है, मेरे अलावा कोई आप चलाते हुए दिख गया तो उसे धर लेना वहीं पे। तो लॉक को ना मैं सोच रहा हूँ इसके साथ लगा दूँ। ये निकाल दी अपनी गाड़ी की चाबी मैंने, इसके बिना बैटरी काम नहीं करेगी। अभी ना 11 बज रहे दिन के, तो अभी ना ज्यादा कस्टमर नहीं है मेरे अलावा, लगता है यहाँ पे 4-5 लोग हैं। तो ना यहाँ पे ना मेरी नजर शूज पे गई और मेरे पास ना रिसेंटली मतलब स्पोर्ट्स शूज वगैरह नहीं है, साइकिलिंग के लिए शूज नहीं है, तो क्या पता मैं शूज वगैरह देख लूँ और एक कैजुअल ग्लासेस भी देखूँ, क्योंकि मेरे पास कैजुअल अच्छे ग्लासेस नहीं है, 100-200 रुपए वाले, मैं सोच रहा हूँ 600-700 रुपए वाले ले लूँ। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर में था, वो सारा क्लोथिंग सनग्लासेस हैट वैट स्वेटर्स इनका सेक्शन था, अभी मैं ऊपर वाले सेक्शन में आ गया हूँ। ये पूरा मतलब साइकिल एंड स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, ऑलराइट भैया काम हो चुका है, बट एक थोड़ा सा मतलब मिसकम्युनिकेशन मेरी तरफ से हो गया। मुझे लगा कि मुझे 5000 रुपए का अपने मर्जी से जो मुझे चूज करना है वो मिलेगा, बट ऐसे नहीं था, उन्होंने ऑलरेडी साइकिलिंग के कुछ प्रोडक्ट्स मेरे लिए निकाल के रखे हुए थे। उसमें एक सनग्लासेस था, एक मसाजर था, एक हाइड्रेशन बैग था, एक ग्लव्स थे और एक पंप था,
बाकी सारी चीजें अच्छी है, मतलब मेरे को जरूरत है चीजों की, तो ये भी अच्छा है। बाकी वो उन्होंने बॉक्स पैक कर दिया, मैं भी लेके नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कहाँ लेके जाऊंगा यार ये सब इसके साथ। तो अभी ये है कि आज मेरे को 2-3 शूट करना था, यहाँ पे मैंने शूट कर लिया, एंड मुझे कल परसों यहाँ पे फिर से आना है, एक रील शूट करनी है मुझे डिकैथलॉन के साथ कोलैबोरेशन में। देन उसके बाद फिर से अगस्त में आना है, जो इनके कैमरा मैन होंगे वो भी एक मेरी वीडियो शूट करेंगे जो अपने पेज में अपलोड करेंगे। ऑलराइट, ये चली हमारी सवारी डिकैथलॉन के बाहर, और भाई धूप बहुत खतरनाक हो रही है। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ इंदिरा मार्केट, मुझे ना थोड़ा सामान लेना है, मैं सोच रहा हूँ मतलब अभी मेरे को पता नहीं क्या लेना है इंदिरा मार्केट से, बस सोच रहा हूँ चले जाऊँ और लोगों के रिएक्शन भी कैप्चर हो जाएंगे, मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूंगा। तो मुझे ना हाईवे के उस लेन से इस लेन में आना था, और मैं सोच रहा था यू टर्न आएगा तो अच्छे से एकदम अच्छे नागरिक की तरह यू टर्न मारूंगा, साला इतना दूर यू टर्न था, मैंने कहा तो साइकिल है, मैं भूल गया तो साइकिल है, उठाई बैंक के डिवाइडर के बीच से और निकाल दी इस साइड। मैंने कभी कभार भूल जाता हूँ गाड़ी को ओवरटेक करते हुए कि इलेक्ट्रिक साइकिल है और 25 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। मैं कार को ओवरटेक कर रहा होता हूँ तब तक वापस ही कार के पीछे आना पड़ जाता है, और यहाँ पे ट्रैफिक को बीट करेंगे हम गाड़ी, मैं साइकिल रोकूंगा नहीं, रखना रोकूंगा नहीं, मैं रोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं। अभी मैं अपनी नॉर्मल साइकिल में चला रहा होता ना, इतनी धूप में मेरे कपड़े गीले हो चुके होते अभी तक पसीने से, बट इस साइकिल में तो अभी तक मेरे को एक बूंद पसीना नहीं आया, पता है एक बूंद पसीना नहीं आया, और जो अटेंशन मिल रही है ना वो अलग भाई साहब। और मुझसे तो अभी तक 10-15 लोगों ने पूछ भी दिया भैया कैसी साइकिल है, कहाँ से ली, कितने की है, तो भैया थैंक्स टू ई मोटर इतनी प्यारी साइकिल मेरे पास भेजने के लिए। इस बात का दुख भी हो रहा है कि कुछ टाइम तक ये मेरे पास साइकिल, अब मेरे को कुछ दिनों बाद दे देनी है वापस। अगर ई मोटर ये वीडियो देख रहे तो प्लीज ये साइकिल मुझे कम से कम 1-1.5 महीने तक रखने के लिए दे दो यार, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा ना इसमें, मजा आ जाएगा, ट्रैफिक को बीट किया जाए। Let's go. अरे 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 थोड़ा सा गैप दे दिया जाए हमें, अरे यार ये गाड़ी इधर ही आ रही है भाई, पाउंड तो रिचर रखता ही नहीं मैं, और इलेक्ट्रिक साइकिल में तो रखूँगा भी नहीं, पता है घुटनों की एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सही है ये, क्योंकि देखो आपके घुटने भी चल ही रहे हैं और प्रेशर भी नहीं लग रहा है। यूहू, क्या कट मारा भाई, मज़ा आ गया, ये साइकिल बहुत छोटी सी है ना तो उसमें कट ऐसे मारने में इतना मज़ा आता है ना भाई, सिटीज़ के लिए तो बेस्ट है बेस्ट। अरे यार इतना बड़ा ट्रैफिक, अरे भैया मजा आ गया। ये देखो फुटपाथ पे चढ़ा दी सलमान खान, ओ भाई साहब फुटपाथ पे चढ़ाने में जो मजा आया ना। लेट्स गो टू मार्केट, इंदिरा मार्केट घुस चुके हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब देखो तुम भाई का स्वैग, यू क्रेजी, जूस पी रहे हैं गाइस, जूस। तो जी पी लिया अनार का जूस, लेट्स गो। अब मैं लूँ क्या यहाँ पे, कुछ तो लेना चाहिए मुझे, भैया टेम्पर लगाना भाई साहब, सोचा था यहाँ के 100-200 का खर्चा करूँगा, 1500 का खर्चा हो गया भाई साहब, मतलब मैं ऐसी टेम्पर लगाने की दुकान में, तब मुझे याद आया कि मेरा चार्जर भी ख़राब है, तब मुझे चार्जर भी लेना पड़ा भैंस के 1000 रुपये का। यार मुझे शर्ट लेनी है पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से लूँ, एक तो इतने सारी चॉइसेस हैं यहाँ पे, ज़्यादा चॉइसेस होना भी बेकार है लाइफ में, फिर चाहे कपड़े की हो चाहे किसी की भी हो। ये ई मोटर आर्ट कंपनी का नाम, एक बार चार्ज कितने चलती है ये, एक चार्ज के बाद अगर आप पूरा रेसी रेस दोगे ना बस, पैडल नहीं मारोगे
तो 30 किलोमीटर दे देती है। अगर आप साथ साथ पैडल भी मारोगे तो 35-40 तक दे देती है आराम से। और बंद करके चलाते रहो, ढलान आ रही है, प्लेन आ रहा है तो चलाओ। ये उसके लिए अच्छी ना, जैसे आपका यही काम काज है, आपका दुकान ऑफिस, तो जाओ साइकिल ऐसे चलाते हुए घर आते हुए पैडल मार लो तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। छोटा बड़ा ये उसी के लिए है, ये और किसी चीज के लिए नहीं है। छोटा बड़ा होता है। हाँ, ये यहाँ से इतना ऊपर तक चले जाता है और सीट इसकी यहाँ तक आ जाती है। ऊपर होता है। हाँ, ऊपर नीचे नहीं होगा, यहाँ तक थोड़ा नीचे होगा, इसको नीचे होता है, यहाँ तक आ जाएगा कि आपने एक बार ले ली और आपको अब स्कूटी में गया कि अब आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, काम हो जाएगा अच्छा। इसमें है कि जाते हुए आप ऐसे देके जाओ और घर आते हुए चला के लाओ। और दूसरा ये कि आप इसके साथ साथ भी पैडल मारते रहोगे तो घुटने भी अच्छे होंगे। तो ये आने वाला फ्यूचर है, अभी ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है ना ये देहरादून में, तो जैसे जैसे चलेगी तो दिखेंगी तो लोग लेंगे। तो आराम से पैडल मारते हुए चले जाओ। हाँ, बस तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज रहेगी। पर स्कूटी ऐसा टायर है तो ख़राब रास्तों में भी चल जाती है और बारिश में भी चल जाती है। अगर इस कंडीशन में रहा तो बदल कर ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 साल तो खत्म ही नहीं होता। और फोल्ड हो जाती है तो गाड़ी में डाल सकते हो आप। अच्छा, बीच से। हाँ, बीच से फोल्ड हो जाती है, आगे से टायर फोल्ड हो जाता है और पीछे आप 35 किलो डाल सकते हो, पूरा इतनी हो जाती है जितनी छोटी। तो यही चीज़ें है ना इसकी अलग बनाती है जैसे, और पीछे 35 किलो डाल सकते हो तो सामान सुमान सबको, सिलेंडर विलेंडर 2-3 सिलेंडर, आगे पीछे सारी लाइटें ऑन ऑन भी है। नहीं, इलेक्ट्रिक वाली है। अगर मैं पैडल मारूंगा तो 2 गुना ज्यादा तेज चलेगी, 2 पे रखूंगा तो 4 गुना। आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है पर साइकिल तेज भी चल रही है। अच्छा, जैसे तेज चल रही है और मार भी दो तो और तेज हल्के मारने आपको पैडल वो चलेगी तेज तेज। अभी मैं 15 चला चुका हूँ, 15 किलोमीटर में इतना अभी इतना बचा हुआ इसमें इतना सारा, क्योंकि मैं पैडल भी मारा था बीच बीच में। ये इसका मीटर है ये। हाँ, तो ये इसके बैटरी दिखा रहा है। सही तो है, और क्या चाहिए। साइकिल देहरादून में ना मैं पहला बंदा हूँ जो उसको सड़क में चला रहा है और शो कर रहा है। होता क्या है, जब लोग इसे फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, लोग बोलते हैं 50,000 की साइकिल कौन लेता है। पर जब मैंने उनको फीचर्स बताए, मैंने उनको बताया कि इसका क्या यूज हो सकता है, किस तरीके से इसको मतलब फिटनेस के पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, काम के लिए यूज किया जा सकता है, तो उनको भी काफी अच्छा लगा सुनने में। हेलो, कैसे बोल के गया वो भैया, नाइस साइकिल देख रहे हो, हेड टर्नर है यार ये साइकिल, मजा आ गया, बढ़िया है, अच्छी है। ई मोटर आर्ट वालों, ये साइकिल मुझे थोड़े और दिन के लिए दे दो यार, हमेशा के लिए दे दो यार, इतना बढ़िया प्रमोशन करूंगा ना इसका, पूरे देहरादून में ना यही साइकिल चलेगी। फिर मैं मजाक नहीं कर रहा, 50,000 में और क्या चाहिए तुम्हें यार, फिटनेस भी हो रही है साथ साथ और काम का काम हो रहा है और एंजॉय का एंजॉय हो रहा है और ट्रैफिक का ट्रैफिक तोड़ रहे हो, अरे नो पॉल्यूशन अलग से। ये देखो तुम बात करते हो, ये भी तो हो सकता है इससे। लो भाई, ये कर सकते हो स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी में नहीं ना अंकल। ये लो भाई, ये लो, ये थोड़े ना कर सकते हैं स्कूटी में और बाइक में। फुटपाथ पे चढ़ा दी भाई, ट्रैफिक की तो छुट्टी है साइकिल में, कसम से ट्रैफिक की तो छुट्टी है और स्वेटिंग वगैरह कोई नहीं। बट आप ना कोट पैंट पहन के जा सकते हो इसमें, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे किसी दोस्त की शादी क्यों नहीं है, कोट पैंट पहन के जाऊंगा इसमें। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट इसकी बैटरी की जो बार है ना वो हाफ से एक और ज्यादा है, मतलब आधे से थोड़ी और ज्यादा है। एंड पता है मैं घर पहुंचने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ से 200 मीटर दूर है एंड मैंने अभी तक 20 किलोमीटर साइकिल चला के अभी भी इसमें आधे से ज़्यादा बैटरी है। बाप रे, इतनी कड़ी धूप में दिन के 2 बज रहे हैं, मैं 20 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूँ, वो भी मार्केट में ट्रैफिक में, जीरो पसीना, जीरो टाइम वेस्ट, जीरो पोल्यूशन एंड थोड़ी बहुत फिटनेस भी होगी। फिटनेस का मतलब ये कि मेरे घुटने लगातार चल रहे थे ना, घुटनों की एक्सरसाइज होती रही। देखो चढ़ाई पे देखो कैसे चढ़ रही है, हाय हाय हाय। मैं पैडल मैं इतने आराम से पैडल मार रहा हूँ ना, साइकिल फिर भी चढ़ रही है 10 की स्पीड से, धीरे 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 धीरे। हाय 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 हाय, क्या चली यार चढ़ाई में, मजा आ गया भाई। कैसा लगा भाई वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे ही वीडियोस देखना को इस साइकिल में फटाफट, तो मुझे बता देना क्योंकि मैं जल्दी साइकिल वापस करने वाला, तो सोच रहा हूँ उससे पहले बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना दूँ।